हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सब। आयुषा भी मेरे तरह एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकिता, स्वागत है आपका आज के लिए ब्लॉग पे। चले करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो आज है हम हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। सो हम हैं अभी सोलन में और हमारा जो आज का इवेंट है वो आज स्टार्ट हो जाएगा, अगले दो दिन तीन दिन तक चलेगा। सो हमारा जो इवेंट है, जो प्रोग्राम है, वो है यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वाइस परमार यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। और अभी हम हैं यहाँ, वहाँ से काफ़ी आगे हैं, 7-8 किलोमीटर आगे एक होटल है, वहाँ पे रुके हुए थे। सो अभी हम फिर यहाँ से फिर वापस जाएंगे वाइस परमार यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पे मुझे दो लोग और मिल गए हैं जो शायद हमारी टीम से हैं, कल तक नहीं थे लेकिन आज दिख गए। उसके बाद हम पहुंचे यूनिवर्सिटी में और ये है यूनिवर्सिटी से चारों ओर का नज़ारा। तो पूरे पहाड़ दिख रहे हैं और काफ़ी सुंदर ये नज़ारा लग रहा था। सो उसके बाद हम गए यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, जहाँ पे सब प्रिपरेशन में लगे हुए थे और थोड़ी देर में हमारा इनॉग्रेशन होने वाला था। सो सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। सो ये वाली रंगोली फूलों से बनाई है और अंदर हॉल की तरफ में ये रंगोली बनाई थी जो हमारा प्रोग्राम था उसकी थीम को लेके। और इसके बाद हम गए यूनिवर्सिटी के वेजिटेबल रिसर्च फार्म में, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग तरह की सब्जियां लगाई हुई थी और कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल भी उन्होंने वहाँ पे लगाई हुई थी। और फिर वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वहाँ पे थे, जिन्होंने हमें जो पूरे फार्म पे उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में और जो एग्जॉटिक वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी। के ऊपर उगाई जा रही विभिन्न सब्जियों, विशेषकर जो हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं और जिनकी प्रोडक्शन हम नेचुरल फार्मिंग सिस्टम से कर रहे हैं, वो दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जैसा कि सभी जानते हैं कि सब्जियों के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश काफ़ी अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों के पास ये सब जो ज़मीनें हैं वो कम हिस्से में आती हैं, लेकिन यहाँ पैदा की गई सब्जियाँ साथ लगते हुए मैदानी क्षेत्रों के लिए बेमौसमी सब्जियों के रूप में उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे कि यहाँ का किसान काफ़ी खुशहाल है और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना रुचि दिखा रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती की जो पद्धति शुरू हुई है और जिसके लिए हिमाचल प्रदेश विशेष तौर पर अग्रणी पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में माना जा रहा है, और इस क्षेत्र में भी हम विशेषकर किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी हम आए हैं यूनिवर्सिटी का ही एक फार्म है यहाँ पे, जहाँ पे वो लोग वेजिटेबल और जो एग्जॉटिक वेजिटेबल है उनकी फार्मिंग करते हैं, तो उसको देखने के लिए आए हैं। चलिए आपको भी यहाँ का पूरा फार्म विजिट करवाते हैं। जो यहाँ फार्म में चीज़ें लगी हुई हैं उसके बारे में बताते हैं। ये है जिम्मू, एक होता है ना जिम्मू फरण शायद, तो वो ये वाला है।
ये है चाइव, ये है पालक, और यहाँ पे ये है ग्लोव आर्टिचोक। वेजिटेबल रिसर्च फार्म के बाद हम गए फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे फूलों की खेती किस तरीके से की जाती है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसे हम अपनी आजीविका का माध्यम कैसे बना सकते हैं, तो इसके बारे में हमें बताया। तो यहाँ हम फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे कि सब पहले हम लोग घर आंगन में फूलों के लिए सजाते थे सिर्फ क्यारियों में, गमलों में, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो चुका है। बहुत सारे लोग फूलों की खेती से ही अपनी आजीविका कमा रहे हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से बहुत सारे ऐसे पुष्प मंडी में जा रहे हैं जो किसी और जगह से नहीं जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो सारे फूल जो हम उगा रहे हैं, आपके किसान भाई लोग भी, आपके साथ जुड़े जितने भी किसान लोग हैं, वो सब भी उगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल बात करती हूँ कि फ्लोरिकल्चर में कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कटे हुए फूलों की खेती। जो कटे हुए फूल होते हैं, जो वेजेज में डालने के लिए, बुकेज बनाने के लिए, गाड़ी सजाने के लिए काम आते हैं, वो सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्नेशन, गुलाब, गुलदाउदी, जरबरा, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये सारे फूल आते हैं। तो हिमाचल की बात करें, अगर ठंडे इलाकों में उगाना है तो आपके लिए लिलियम है, कार्नेशन सबसे अच्छा फूल है जो कि पॉली हाउसेज में लगता है, फिर लिलियम है, गुलाब थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, थोड़े से वार्म एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, गुलदाउदी ऐसा फूल है जो सारा साल हो सकता है। तो ये दो तीन फूल हैं जो बहुत अच्छे से उग सकते हैं। इसके अलावा जो वार्म एरिया में अगर किसी ने लगाना है, जैसे नालागढ़, ऊना, अगर आपके से जुड़े हुए कोई परिवार वाले हो, तो गर्म इलाकों के लिए गुलाब, जरबरा हो सकता है, बर्ड ऑफ पैराडाइज हो सकता है, और गुलदाउदी तो ऐसा है कि जो थ्रू आउट इंडिया उग सकता है। तो ये सारे कटे हुए फूल होते हैं। ठीक है, इनकी खेती से एक आम किसान बहुत अच्छी आय उगा ले सकता है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के बाद हम गए फ्लोरिकल्चर क्राफ्ट लैब में, जहाँ पे कि जो भी हमारा ड्राई वेस्ट होता है या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या फॉरेस्ट वेस्ट होता है, तो उससे कुछ क्राफ्ट वहाँ पे लैब में तैयार करे गए थे, अलग अलग डिजाइन बनाए हुए थे। टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है कि जो एकदम उनकी चीज सेल हो जाए। तो यहाँ हमारे पास फ्लोरल क्राफ्ट लैब में वो सारी टेक्नोलॉजी है कि वेस्ट जो भी है आपका, चाहे वो फॉरेस्ट वेस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट है या ऑर्नामेंटल वेस्ट है, उससे आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो ये हमारी ड्राई फ्लावर लैब है, जहाँ डिफरेंट टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने हुए हैं जिनकी डायरेक्ट मार्केट में सेल है। तो आप कुछ चीज इस लैब में जितनी भी चीजें थी वो वेस्ट से तैयार की गई थी और सारी चीजें डेकोरेटिव थी, जिनको कि हम नॉर्मली अपने घरों में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं या शोपीस के लिए यूज करते हैं, जैसे फ्लावर वास या फिर वॉल हैंगिंग्स, लैम्प्स, डेकोरेटिव मिरर्स, डॉल्स, राखी और बहुत सारी चीजें इस लैब में वेस्ट से तैयार की गई थी।
शेड हो जाते हैं जो नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर्स के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है हर्बल गुलाल, ठीक है, जिसे आपका बहुत ज्यादा फूल वेस्ट हो जाता है या कहीं डेकोरेशन में या टेम्पल्स में, तो उससे हम इस तरह का हर्बल गुलाल बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैरीगोल्ड का हर्बल गुलाल है जो आप होली में यूज करेंगे, अदरवाइज द टॉक्सिक कलर जो आपकी स्किन खराब करता है, इरिटेट करता है एंड मे बी कैंसरस आल्सो, ये बिल्कुल नेचुरल फ्लावर से बनाया हुआ प्योर कलर है और ये गुलाब से बनाया हुआ है। अगरबत्तियां बनाई हुई है और ये अगरबत्ती बनाने के लिए यहाँ से ही एक हमारे स्टूडेंट था, उसने प्रशिक्षण लिया और नाउ ही इज हैविंग हिज ओन स्टार्टअप एट ऊना, तो आप इसमें एड्रेस देख सकते हैं, भद्रकाली में एक उनकी कमर्शियल यूनिट है। वही है मक्की का छिलका, है ना, सेम मटेरियल यहाँ से सेल हो जाएगा। ये खजूर की स्टिक्स है जो जंगली खजूर होता है उसके पत्तों से बना है। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे मक्की के छिलके से और देवदार का जो कोन होता है उससे बनाई हुई स्टिक्स है, ये देवदार से बनाई हुई है। जो देवदार का कोन गिर जाता है फॉरेस्ट वाले भी नहीं पकड़ते इसके, क्योंकि इसमें कोई सीड नहीं है, थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ती है। सो फ्लोरिकल्चर क्राफ्ट लैब के बाद हम गए पेस्टिसाइड रिजर्व में, वहाँ पे हमने उनके लैब का विजिट किया और वहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में जाना। जितना भी स्प्रे होता है क्रॉप्स उसमें कितने अवशेष रह जाते हैं आफ्टर अ टाइम इंटरवल, एक पीरियड के टाइम पे जैसे स्प्रे करते हैं खेत में स्प्रे करते हैं तो उसमें कितना रह जाता है, तो उसके हिसाब से वो रेजिड्यू जो रह जाते हैं वो अवशेष कहलाते हैं। After all the weathering processes, degradation processes, environmental जो भी इफेक्ट आता है उसमें डिपॉजिट्स रह जाते हैं या अवशेष रह जाते हैं कीटनाशकों के, तो उसको निकालते हैं हम यहाँ पे, उसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पेस्टिसाइड हैं और कितनी मात्रा में जो है पेस्टिसाइड रह जाते हैं। तो ये मतलब बेसिकली कंज्यूमर सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट में डाइटरी रिस्क असेसमेंट निकालते हैं, तो कंज्यूमर सेफ्टी की वेदर इट इज सेफर और अनसेफ फॉर द हेल्थ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। सो तो ये हमारे पास पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेबोरेटरी है, यहाँ पे हमारे दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट और पेस्टिसाइड रेसिड्यूज है ऑल इंडिया नेटवर्क, उसमें 18 जो है जो पूरे हमारे देश के जो 18 लैब्स उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब दे आर द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क प्रोजेक्ट। और जो हमारा कोऑर्डिनेटिव जो मेन सेल है वो दिल्ली में है, IRI में है, तो उसके हिसाब से तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग अंडर दैट प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं सुपरवाइज फील्ड ट्रायल्स करते हैं, मतलब हमें पेस्टिसाइड कौन सा स्प्रे करना है किसको, मेनली जो हमारा लैब का है वी मोस्ट मेनली वर्क ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अदर कॉमोडिटीज भी करते हैं हम, वाटर सॉइल अदर एनवायरमेंटल कॉमोडिटीज, बट मेन जो है हमारा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। तो हम जब सैंपल जब फील्ड में स्प्रे करते हैं तो वहाँ से सैंपल आता है, सैंपल को हम यहाँ सैंपल प्रोसेसिंग लैब है हमारी, उसमें सैंपल को प्रोसेस करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स है, वेरियस टेक्निक्स है, ये आपके सामने एक चार्ट है, ये टेक्निक है बेसिकली, दिस इज द टेक्निक जिसको हम यूज करते हैं, उससे है कि वो कीटनाशक कौन सा आया है, कौन सा स्प्रे हुआ है और उसमें क्या क्वांटिटी है, तो ये जो मेथड है इस मेथड से हम उसका पता लगाते हैं कि कौन गेंदा उसके बेस पे जो है हम पेस्टिसाइड रेसिड्यू डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 5-6 GC है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, और परे जो हमारी लैब है जहाँ हमारे एनालिस्ट काम कर रहे हैं वह हाईली सोफिस्टिकेटेड 1.5 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट है, आगे वो है GC MS MS और
LC-MSMS मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे हमारा ये GC है, तो इसपे हम क्या करते हैं अपना लगाते हैं, ये आप देख रहे हैं ये सैंपल, यहाँ पे हम जो है वायल जो है एक 1 ml की वायल है इसके सैंपल लगा देते हैं, वो सॉल्वेंट में होता है सैंपल। तो 1 μL जो है ये सारे ऑटोमेटेड है, सॉफ्टवेयर से चलते हैं, ऑटोमेटेड है, और उसमें जब कमांड दे देते हैं तो वो सैंपल ले लेते हैं। और इधर जो है हमारे अभी ये इंस्ट्रूमेंट बंद है, परे मैं आपको दिखा दूंगी। तो उसकी कंज्यूमर सेफ्टी मेन है, तो मेन इसमें जो होता है हमारे पास FSSAI है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो एक मात्रा निर्धारित करती है MRL मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट की किसी भी फूड कॉमोडिटी पे किस पेस्टिसाइड या किस कंटेमिनेंट की मात्रा कितनी निर्धारित होनी चाहिए, टॉलरेंस लिमिट कितनी है। तो वो हमें देखना है, हम यहाँ आके ये डिटेक्ट करते हैं कि वो उससे ऊपर है कि नीचे है। अगर वो उससे ऊपर है तो वो अनसेफ है, अगर वो उससे नीचे है तो इट इज सेफर, देयर इज नो रिस्क। CMSMS और LC-MSMS, अच्छा ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन दोनों की कीमत लगभग 4 crore है, और हम लोग पार्ट जो यूज होता है कोई वेस्ट नहीं आता है ना, इस तरीके से हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप अपने ग्रुप के साथ आ जाएंगे, आपको फूड साइंस के बारे में बताएंगे, यहाँ हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और कैसे कैसे बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंट फूड साइंस में आपका सर का स्वागत। हमारे पास 5 लैब है, तो हमारे यहाँ पे PG4 degree दी जाती है और PhD की डिग्री जाती है। इसे मैंने बच्चों से इंट्रोड्यूस किया आपको कि सम स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द मेजर समर वर्क शुगर कैन, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट ऑफ इसी द लैब अंडर द क्रिपो प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट मीडिया का एक प्रोजेक्ट है, अराउंड अबाउट इंडिया में 30 प्रोजेक्ट्स है, जो हमारा सेंटर है इज द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन इंडिया, और हियर वी आर नंबर वी करते हैं अभी आप हम यहाँ पे काम करते हैं टेम्परेट रूट्स पे करते हैं, तो टेम्परेट रूट्स पे जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है उसको हमने जनरेट किया है, और इसके अलावा बच्चे जी सीरियल पे काम करते हैं, शुगर पे काम करते हैं, वेस्ट पे काम करते हैं, कुछ हमारे PhD स्कॉलर्स हैं अपना अपना। अभी हमारी लैब की विजिट पूरी हो गई है और अब होगा हमारा लंच, उसके बाद हमारे सेशन स्टार्ट है, और इससे पहले और अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ, वहाँ पे कुछ काम है, तो गेस्ट हाउस से ऑडिटोरियम थोड़ा दूर है, इसलिए रोड से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमने एक शॉर्टकट लिया है, तो अभी हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। सो हिम संवाद के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए सभी लोग ऑडिटोरियम में आए, और हिम संवाद कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी आए हुए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और कार्यान्वयन रणनीति विषय पर आधारित सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मैं देवभूमि हिमाचल की सुंदर वादियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसान श्री कमल सिंह चौहान जी का, सेवा इंटरनेशनल के सचिव ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और सोशल लीडर श्री श्याम परांदे जी का, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी का, सेवा इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक श्री अभिषेक कुमार जी,